Good morning, guys. Good morning, guys. This is me, Mamta Sachdeva, once again with all of you. And Abhi was so cute rahi hun. Abhi was so cute rahi hun. Aur aaj aapke saath share karungi din ki shuruaat kaise karti hun. Kal hamare ghar kuch guest aaye hue the. और वो गए हैं अराउंड 12:15 बजे वापस. सुबह अहान का स्कूल था और अहान को सुबह स्कूल भेजा है अमित जी ने, बिकॉज अमित की भी सुबह ड्यूटी होती है. तो फिर उसने मुझे उठाया नहीं, बिकॉज उसने तो उठना ही होता है. तो मैं सामान तैयार कर देती हूँ अहान का, तो अमित ने अहान को भेज दिया था स्कूल. और भेजने के बाद वो भी अपना चाय का कप लेके उसके बाद चले जाते हैं काम पे और मुझे डिस्टर्ब नहीं करते. और अभी मैं उठ रही हूँ, अराउंड बज रहे हैं, आई थिंक 11 बज रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि अहान के जाने के बाद अभी उसने आना है अराउंड 3:30-4 बजे. तो तब तक लिटरली बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है घर में, तो लाइट सा ही काम रहता है. और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, आपको पता है, अच्छी नहीं है. तो कभी कभी रात को नींद आने में भी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से कोशिश ये रहती है कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए मेरी तरफ से भी. तो बस आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ. बहुत सारे लोग कहते हैं, ममता जी आप व्लॉग बनाओ अपने घर पे और हमें बताओ आपकी क्या रूटीन करा रहती है. तो चलिए आज थोड़ा सा आपको अपनी रूटीन दिखाने की कोशिश करूँगी व्लॉग स्टाइल. तो सबसे पहले मैं जब भी उठती हूँ, ये मेरा फेवरेट फेवरेट बेड कवर है. ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि मुझे, आपको पता है, फ्लाई करना बहुत पसंद था, क्या है भी, मैं तो वेट कर रही हूँ कब ट्रैवल खुले. और ये जो मेरा बेड कवर है, इट्स ऑल सब कंट्रीज़ के इसके ऊपर नाम है और जिस जिस कंट्री में जो भी फेमस है वो इसके ऊपर बना हुआ है. तो सबसे पहले मैं अपना उठने के बाद जो है वो बेड है उसको ठीक करती हूँ. तो सबसे पहले मैं अपना आज बेड ठीक करूँगी. और आज के प्लान में क्या है, एक आपको रूटीन बताती हूँ. जो भी लोग यहाँ पे वर्किंग रहते हैं यूएई में, बहुत सारे लोगों की अपने रूटीन्स और ड्यूटीज़ की वजह से लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा विजिट नहीं कर पाते, जितना कि जैसे हमारे घरों में. तो वहाँ कोई नेबर आ गया, कोई आ गया, तो यहाँ पे घर बहुत शांत रहते हैं हमारे. बिल्कुल देखिए पिन ड्रॉप साइलेंस, आपको लगेगा ही नहीं घर पर कोई है. बिल्कुल शांति है, पूरे घर में पूरी शांति है, कोई इंसान आपको नज़र नहीं आएगा. तो चाहे मतलब शाम के 4-5 बजे तक भी सोते रहो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शांत है, रात है, मतलब इतना सन्नाटा है यहाँ पे, मतलब शांति है बिल्कुल ही. तो इस वजह से क्या होता है ना कि आप आराम से सो सकते हो, उठ सकते हो. और जब कोई आपके घर आ रहा होता है तभी तैयारी करने की ज़रूरत होती है कुछ भी. तो आज का क्या है, कल हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे रात को, हमारे 2 फ्रेंड्स आए थे एंड वी वर वेरी हैप्पी टू रिसीव देम. और वो रात को गए हैं क्वाइट लेट. उसके बाद अहान का स्कूल था जैसे मैंने आपको बताया है. और अभी बस मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ और अभी बनाएंगे सबसे पहले इस बेड को, क्योंकि आई बिलीव कि जब भी सो के उठो सबसे पहले उतरते ही अपना बेड बनाओ, उसके बाद कुछ और करो. सो लेट्स मेक दिस बेड एंड देन आई विल टॉक टू यू. बेड बन गया, बाकी मैं इससे अच्छे तरीके से बनाती हूँ कि अभी वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए बहुत ज्यादा लंबा इसको रखना नहीं चाहती, बहुत लंबा शॉर्ट नहीं करना चाहती. तो आई मेड माई बेड, सो प्लीज यू गाइज कैन सी नाउ द बेड कवर इज वेरी नाइस ना. आप मुझे बाकी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा. ये मेरा फेवरेट फेवरेट बेड कवर है. सो एनीवे, ये मेरा छोटा सा कमरा है एंड आई लव टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स एंड ऑल. अभी तो ये सिर्फ 5% है जो बाहर पड़े हैं. एंड उसके बाद ये जो कमरा है ये अहान का कमरा है एंड आई एम नॉट गोइंग टू ओपन एंड शो, क्योंकि वो सुबह स्कूल गया है. पूरा कमरा मैस में है. उसके कमरे के अंदर उसकी अलमारी है, ये एक्स्ट्रा अलमारी है हमारे यहाँ बाहर. तो इसमें अहान की सॉक्स वॉक्स सारा सामान पड़ा रहता है. ये मेरा स्टूडियो है, नॉट लुकिंग दैट ग्रेट नाउ बिकॉज मैं यहाँ काम कर रही थी कल, लेकिन आपको थोड़ा दिखा देती हूँ. सो दिस इज माई स्टूडियो गाइस, जिसपे मैं वीडियोस बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ के. और बहुत सारा सामान मेरा यहाँ पे पड़ा रहता है.
क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और काम यहीं से करती हूँ। ये मेरा अवार्ड जो आया था आपको याद होगा, सो दिस इज़ माई अवार्ड। एंड यूजली इतना मेस में नहीं रहता है ये, लेकिन मैं कल कुछ काम कर रही थी तो जब काम करती हूँ तो फिर चीज़ें इधर उधर रख देती हूँ। और आपको मैंने बताया था मुझे बहुत सारे मग्स दूसरी कंट्री से कलेक्ट करने का शौक है, सो वो सारे मग्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं मेरी अपनी फेवरेट जो मैंने ट्रैवल के टाइम में कलेक्ट की हैं, वो मेरी वायर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, नोट्स, मेरे बहुत सारा सामान वहाँ पड़ा रहता है। एंड दीज ऑल माई प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और ये वो बोर्ड है जिस पे मैंने हेलो केबिन क्रू चैनल के ऊपर भी आपको काफ़ी वीडियोस यहाँ लिख के पढ़ाया है। तो ये मेरा अपना पर्सनल स्पेस है जिस पे मैं कई बार बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो ये मेरा स्टूडियो है छोटा सा, नॉट दैट ग्रेट बट ठीक है, जो है अच्छा है। सो इसके बाद दिस इज़ आर हॉलवे, ठीक है, हमारा बाथरूम है ये। देखिए घर वाले अपना टॉवल भी बाहर सुखा के नहीं जाते, यहीं छोड़ जाते हैं, तो बालकनी में इसको डालती हूँ मैं बाद में, अभी इसको यहाँ छोड़ देती हूँ। लेट मी स्विच ऑफ द लाइट्स एट द सेम टाइम। भैया वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी यहाँ ठीक ठाक आता है और अपनी जेब से ही देना पड़ता है। तो अभी मैं सबसे पहले उठ के मैं ब्रश नहीं करती, आई बी ऑनेस्ट टू यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। लेकिन पानी पीने से पहले देखिए, एक टावल वहाँ टंगा हुआ था, एक टावल यहाँ पे टंगा हुआ है, तो मतलब टावल्स कोई नहीं उठाता आपने, इसको भी उठा के मुझे ही रखना है। सो देखिए आपके सामने है, लोग कहते हैं कि बीवियाँ ऐसी चिल्लाती हैं, एक टावल वहाँ पे हैंडल पे टंगा हुआ है, एक टावल यहाँ पे टंगा हुआ है, तो टावल भी कोई अपनी जगह पे रख के नहीं जाता। तो बालकनी मेरे कमरे से अटैच है तो मैं वहाँ पे रखूँगी। आई थिंक आई शुड लीव द लाइट्स ऑन ताकि कम से कम आपको वीडियो में अच्छे से नज़र आता रहे। सो ये हमारा हॉल है, ये देखिए कॉम्ब भी यहीं छोड़ के गया हुआ है आहान। सो ये हमारा हॉल है और हमारे घर के सोफे ऑलरेडी 2 से 3 बार चेंज हो चुके हैं इस घर में। ये देखिए आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, सो दिस इज़ माई हॉल, ठीक है, आपको आई होप नज़र आ रहा होगा। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, ठीक है, और इस हॉल के दो डोर्स हैं, एक डोर उस तरफ है आपको नज़र आ रहा होगा और एक डोर हमारा ये है, तो कोई जब उधर से आता है मेन डोर से तो अंदर सीधा इधर से हमारे घर में आ सकते हैं। तो ये डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, ये बहुत सारा सामान जो मैंने बहुत सारी कंट्रीज से खरीदा अलग अलग जगह से, मुझे कलेक्ट करने का शौक है, वो सारा यहाँ पे है। तो मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊं, बताऊं उसके पीछे की मेमोरीज क्या है, और हमेशा लिस्ट में वो चीज़ पेंडिंग में रह जाती है। लेकिन आई थिंक आई शुड स्टार्ट डूइंग इट, जो जो मैं प्रॉमिस करती हूँ। लेट मी जस्ट ओपन दिस कर्टन, एक मिनट हाँ, तो फिर लाइट थोड़ी और बेटर हो जाएगी। तो ये एक तरफ जो वॉल है वो पूरी की पूरी ना, अभी आपको दिखाती हूँ, एक तरफ की इधर की वॉल जो है पूरी वो कांच की विंडो है, मतलब बहुत अच्छी लाइट आती है दिन के टाइम में। ये देखो, तो अगर इसको खोल लो ना, इधर से खोल लो, एक्चुअली तो मैंने इसको ऐसे टाई करा है, नहीं तो इसको खोला भी जा सकता है खींच के, लेकिन मुझे लगता है कि उसके क्लिप्स फिर मूव हो जाते हैं। तो खोलो तो पूरा लाइट आ जाती है अंदर घर में, सो इट्स नाइस टू हैव सम लाइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में जब सारा काम हो जाता है तो हम लोग यहीं बैठते हैं, यहीं पे बैठ के अगर फ्रेंड्स आते हैं गप्पे मारते हैं वगैरह। तो ये हमारा टीवी है और ये सारी चीज़ें जो मैंने ट्रैवल के ड्यूरिंग कभी कोई फ़ोटोज़ जो मेरे दिल के करीब है, ये आहान है, ये गुरदास मान जी, इनको कौन नहीं जानता, इनको मैं मिली थी जब मैं बहुत यंग थी, 16-17 years old आई थिंक। ये दुबई की फ़ोटो है, ये मेरी यूट्यूब की है और छोटी छोटी मेमोरीज है। ये उडारी चैनल पे, सॉरी ETC चैनल पंजाबी पे मेरा इंटरव्यू आया था, ये उससे मुझे घड़ी मिली थी। तो इसको मैंने स्टूडियो में लगाना था लेकिन वहाँ कोई जगह नहीं बनी तो मैंने यहीं रख दिया। सो दिस इज़ माई कम्प्लीट हॉल रूम। मैं डेकोरेट करने में बहुत बेस्ट नहीं हूँ, आई एडमिट दैट, तो जितना बेस्ट कर पाती हूँ उतना है। तो आपको दिखाती हूँ इधर से, ये हमारे शू रैक्स हैं अंदर आते ही, और मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है तो यहाँ पे ये इन्होंने मास्क वास्क भी रख रखे हैं, इसको हटा देती हूँ, रुको। सो ये प्लांट्स हैं, और अब आप कहेंगे कि इतना मनी प्लांट क्यों लगाया है, क्योंकि दूसरे प्लांट्स जो थे ना वो सूख गए थे, तो फिर मुझे लगा कि जो चीज़ चलती है उसी को लगाओ, तो फिर मैंने मनी प्लांट ही लगा दिया, क्योंकि मनी प्लांट ईजिली चल जाता है, तो मैंने सब में ही मनी प्लांट लगा दिया। तो
तो ये हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है यहाँ पे, जब कोई घर पे आता है तो अगर वो अपने हाथ सैनिटाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए है। बाकी ये हमारे शू रैक्स हैं, ये दोनों फुल हैं। उसके अलावा भी मेरी आधी अलमारी जूतों से भरी हुई है, बिकॉज जूते कभी यू नो विमेन के ख़त्म नहीं होते। और ये मिरर जो है ना, ये मेरा फेवरेट मिरर है बाय द वे, ये पिछले घर में भी मेरे साथ था, इसको मैंने फेंका नहीं है। बाकी मुझे घर में बहुत सारा गोल्ड यू नो गोल्डन चीज़ें पसंद है, तो काफ़ी आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो टांगी होंगी इधर उधर, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे फोटोज़ लगाने का बड़ा शौक है। और घर में आपको देखिए, हॉल में आप चलते जाएंगे तो आपको कितना कुछ नज़र आएगा लगा हुआ, क्योंकि मुझे ये सब लगाने का बड़ा शौक है, घर को डेकोरेट करने का बहुत शौक है। बिल्कुल सामने अगर यहाँ से आप देखें तो गणेशा की बहुत अच्छी मूर्ति मैंने बिल्कुल सामने लगाई है, तो जब घर में कोई आता है ना तो वो बिल्कुल सामने नज़र आती है। देखो, जब कोई एंटर करता है घर में तो बिल्कुल सामने गणेशा की मूर्ति नज़र आती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बेसिकली वो बेडरूम मेरा है, मेरा और अमित का, और वो अहान का कमरा है, ये मेरा स्टूडियो है, और ये मेरा हॉल है, और ये गेस्ट बाथरूम है। तो दिस इज गेस्ट बाथरूम। सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ यहाँ पे यूएई में किस तरह की कंस्ट्रक्शन और चीज़ें होती हैं, इसके लिहाज से आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा गेस्ट बाथरूम है, ये एक मेन बाथरूम है, और एक मेरे बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम है। तो जो यहाँ पे जैसे टू बेडरूम अपार्टमेंट होते हैं, यूजुअली उनमें टू बाथरूम्स होते हैं, एक मेन बाथरूम होता है जिसमें शावर की फैसिलिटी भी होती है, और एक दूसरा गेस्ट बाथरूम होता है। थ्री बेडरूम में मोस्टली दो बड़े बाथरूम्स होते हैं जिसमें नहाने का बाथटब वगैरह बना होता है, और एक गेस्ट बाथरूम होता है यूजुअली, पर जब लेते हैं लोग तो चेक कर लेते हैं। और फाइनली ये मेरी किचन है। प्लीज़ अपना दिल पकड़ लीजिए, क्योंकि मेस में है, क्योंकि कल हमारे घर गेस्ट आए हुए थे तो हमने सामान वगैरह ऐसे ही रख के सो गए थे, बट आई डोंट हैव एनी शेम, सब हम इंसान ही है यार। और कल हमने एक अब मैं हिंदी में ही बोलूँगी, जो आपको पता है ना पत्तों में से कीड़े निकलते हैं, हमने उसे कीड़े को इस डब्बे में डाल के रखा है हान के लिए, बिकॉज उसको पेट चाहिए था, तो मैंने कहा तुम्हें एक पेट मिल गया, तो इसके अंदर उस कीड़े को हमने डाल के रखा, वो चलता भी है, यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी किचन है, लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। सो ये दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन्स आर हेयर इन द यूएई, तो इसकी कैपेसिटी 5 kg से ऊपर भी रहती है, सो डिपेंडिंग ऑन आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। हम तीन हैं, हमारे लिए काफ़ी है 5 kg। एंड देन वी हैव दिस माइक्रोवेव, देन वी हैव दिस सैंडविच मेकर, एंड ये आपने देखे ही होंगे, मैंने कई बार दिखाने की कोशिश की है, आई लव टू कलेक्ट फ्रिज मैगनेट्स, तो ये मेरे फ्रिज मैगनेट्स हैं। बाकी आपको मैंने बताया मुझे बहुत कुछ लगाने की आदत है, तो आपको हर जगह कोई ना कोई पेंटिंग, कोई ना कोई चीज़ मिलेगी, और इंडियन घरों में हर जगह आपको कुछ ना कुछ पड़ा मिलेगा। सॉरी आज ये थोड़ी मैस में है, लेकिन अभी 10 मिनट में मैंने इसको सबको क्लियर कर देना है, तो आई थिंक लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंड देन शो यू गाइस। सो काफ़ी हद तक मैंने किचन को खुद ही साफ कर दिया है। एक्चुअली मेरे क्लीनर्स आते हैं शाम को अराउंड 6 साढ़े 6 बजे के करीब, तो वैसे ही डिशेज जो हैं वो ही करते हैं, तो डिशेस मैं नहीं करूँगी, और बाकी वैसे मैं वैसे हमारा किचन ऐसे रहता है। ये अभी मैं साफ़ कर रही थी तो यहाँ रखा है, इसको मैं वापस रख देती हूँ। सो इस तरह से किचन अभी साफ़ हो गई है। तो मॉर्निंग में उठते ही मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मेक श्योर करती हूँ कि सब चीज़ अपनी जगह पे हो, ताकि फ्रेश फील आए घर में। तो चाहे क्लीनर लगा हुआ है चाहे नहीं लगा हुआ, लेकिन आई मेक श्योर कि कम से कम इतना बेसिक तो मेंटेन रहे कि शेल्फ साफ रहे, गैस साफ है, चीज़ें अपनी जगह पे हैं। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ उठने के बाद वो है, मैं पीती हूँ 2 से 3 गिलास पानी। लुक नॉर्मल, ज़्यादा गर्म नहीं करती, नॉर्मल पानी पीती हूँ, तो पानी मैं भर रही हूँ। तो पानी हम यहाँ से बॉटल्स का लेते हैं, यूएई में यूजुअली टैप वाटर नॉट सजेस्टेड पीने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, और वैसे भी सी वाटर से ही उसको साफ़ करके टैप में आता है वो पानी। तो हम लोग इस तरह से ये बॉटल्स ऑर्डर करते हैं, तो मेरे घर के बाहर 4 बॉटल्स ऑर्डर की होती हैं। हम ऑर्डर कैसे करते हैं, उसका एक कार्ड बनता है, यहाँ पे पड़ा होगा मेरे, यहाँ पे उसको टांगा होगा कहीं पे मैंने उस कार्ड को, तो एक कार्ड बन जाता है कंपनी से, तो उसमें जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, वैसे ही वो कार्ड में पैसे होते हैं, मतलब जो मैं देती हूँ उनको उस कार्ड में दिखाता है, तो उसी कार्ड को वो पंच करके वो बॉटल्स मैं खाली बाहर रख देती हूँ तो वो चेंज कर जाते हैं। तो इस तरह से ये पानी आता है यहाँ पे यूएई में। तो आपको मैंने बताया है यूजली मैं रूटीन में त्रिफला खाती हूँ, तो आज भी मैं त्रिफला ले रही हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स स्टमक क्लियर करने में एंड इट्स वेरी गुड। सो लेट्स हैव सम त्रिफला एंड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, फिर आपसे मिलती हूँ।
और जिन लोगों ने कभी त्रिफला नहीं खाया, आपको बता दूं कि त्रिफला खाना बहुत मुश्किल है, बहुत कड़वा सा लगता है। सुबह उठ के सबसे पहले त्रिफला ब्रश किए बगैर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पेस्ट करने के बाद मुंह में पेस्ट का टेस्ट होता है, आई डोंट लाइक दैट। जब मैं पानी पीऊँ तो पानी मतलब जो अपना रियल मुंह का टेस्ट है वही रहना चाहिए। जर्म्स हैं या कुछ बैक्टीरिया तो मेरे अपने ही है भाई, अपने पेट में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चम्मच रख दिया है, त्रिफला बंद कर देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम मैं चिल करती हूँ बैठ के, अपना टाइम मी टाइम यू नो, थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठूंगी यहाँ पे अपने हॉल में। यहाँ से भी आपको मैंने कई वीडियोस दिखाई हैं, यहाँ पे भी कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर सी, जो मुझे कलेक्ट करने का शौक़ है, लकड़ी की चीज़ें बनी हुई। हाँ, तो अभी थोड़ा सा टाइम मैं यहाँ स्पेंड करती हूँ सुबह सुबह, उसके बाद मैं आराम से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। जब आहान घर पे नहीं होता, ऑफ कोर्स जब आहान घर में होता है तो बिल्कुल सब चीज़ें इधर की उधर हुई होती हैं, यू नो, एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा ही होती हैं, पढ़ाना लिखाना खाना पकाना। तो अभी मैं यहाँ से उठ के जैसे पानी पिया है, थोड़ा टाइम वेट करूँगी, आई विल गो टू द वॉशरूम, फ्रेश होंगी, फिर ब्रश करके नहाऊंगी, उसके बाद दिन की शुरुआत होगी। तो लेट मी फिनिश द वाटर देन वी कंटिन्यू। और बाय द वे, आपको एक बात और बताना भूल गई थी कि ये जो आपको हॉल इतना साफ नज़र आ रहा है, ये रात को मैं 2:30 बजे पूरा साफ करके उसके बाद मैं सोई हूँ, क्योंकि मेरी आदत है घर पे कोई आया हो तो मुझे होता है कि सबसे पहले तो आप सारा सामान संभालो, सब चीज़ें अपनी जगह पे रखो, तो उसके बाद ही आप सोने जाओ, क्योंकि सुबह जो भी उठ के आ रहा है यहाँ पे, चाहे आहान है चाहे उसके पापा हैं, तो घर पूरा साफ दिखना चाहिए। यूजुअली ये चीज़ मैं किचन में भी करती हूँ, लेकिन कल काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था और काफ़ी लेट हो गई थी मैं सोते सोते, तो मैंने छोड़ दिया था। तो ये एक मेरी रूटीन का हिस्सा है जो मैं जिसके बारे में बहुत स्पेसिफिक हूँ कि कमरा किचन हर चीज़ को थोड़ा सा यू नो जगह पे रख के चीज़ों को सो, ताकि कोई अगर एकदम से आपके घर आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और वैसे आज मेरे घर में 2 गेस्ट आ रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद, यू नो, उनको मैंने टाइम दिया है मिलने का, सो 2 पीपल आर कमिंग टू मीट मी टुडे। 1 गर्ल इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग एट 1, एंड इसके अलावा एक और लड़का मुझे जानता है, उसका नाम राज भी रहे, ही इज़ कमिंग अराउंड आई डोंट नो आफ्टर 2 or 3 o'clock। तो इस तरह से चीज़ें अगर जगह पे होती हैं ना, तो देन यू डोंट हैव टू वरी। एंड बाय द वे, आपको यहाँ पे भी बहुत सारे मनी प्लांट नज़र आएंगे, यहाँ पे भी मैंने मनी प्लांट्स लगाए हुए बहुत सारे, ये देखो, मुझे मनी प्लांट बहुत पसंद है, ये स्टैचूज मुझे बहुत ही पसंद हैं, और ये देखिए इधर भी मनी प्लांट है, ये देखिए, सो आई लव टू हैव ऑल दिस। मेरे क्लीनर साहब ने इसका मुंह ही उधर को कर दिया है। इसका मुंह थोड़ा इधर होना चाहिए, मेरी तरफ होना चाहिए। तो चलिए अभी मैं जाऊंगी नहाने धोने और दिन की करूंगी शुरुआत। बस आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाना चाहती थी ममता सचदेवा की लाइफ सुबह उठने के बाद, जो आधा घंटा मेरा कैसा होता है। तो बस अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोग मुझे कहते थे ममता जी कुकिंग वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो आप, तो बनाएंगे जी, ज़रूर बनाएंगे आपके लिए, कुकिंग वीडियोस भी बनाएंगे, कुकिंग मेरा पैशन है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, एंड मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। सो ये था मेरे छोटे से घर का टूर इन आबू धाबी, एंड एक न्यूज़ आपको मिलेगी बहुत ही जल्द, अभी नहीं दे रही, उसका मजा किरकिरा नहीं करना चाहती मैं, एंड देर आर सम चेंजेस कमिंग इन लाइफ अगैन विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस। बाकी आप खुश रहिए, अपने घरों में सेफ रहिए। मैं भी आई नो बाहर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि बाहर गर्मी है और मास्क लगा के बोलने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे होती है, मुझे बाकियों का नहीं पता, ऑक्सीजन यू नो इनहेल करने में अंदर जाने में दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से मैं बाहर के व्लॉग्स कम बना रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं बनेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। बाकी आपको थोड़ा सा खिड़की के बाहर जाने से पहले दिखा देती हूँ, तो बिल्कुल सलाम स्ट्रीट के ऊपर हम रहते हैं, सो दिस इज़ द मेन स्ट्रीट ऑफ अबू धाबी, ठीक है। तो ये यादें भी मैं अपनी इकट्ठी करी हुई है, सामने आपको जो नज़र आ रहा है दिस इज़ ADCB बैंक, जिस बिल्डिंग के ऊपर रेड कलर का आपको डॉट नज़र आ रहा है, तो ये हमारे घर का एरिया है बेसिकली,
बिल्कुल चहल पहल वाला एरिया है, तभी मैंने इधर घर लेने का सोचा, क्योंकि मेरा मन था कि बिल्कुल रौनक वाला एरिया होना चाहिए। सो ये बहुत ही रौनक वाला एरिया है, हमारे घर के सामने हमेशा रौनक लगी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना मत भूलिएगा। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। लेकिन जाने से पहले प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। एंड लॉट मोर टू कम, आई प्रॉमिस। टेक केयर फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।